ओके गाइस, तो हम आज क्या करने वाले हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केसेस करने वाले हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप केस करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, एम इक्वल्स टू एम ओ, ठीक है, इनटू एम ई। सब लोगों ने देख लिया होगा, राइट? एम ओ मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ एन आईपीस। ठीक है, फाइन। अब हमारे पास यहाँ पे होने वाले दो केसेस, तो सब लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम केस वन, फुल कॉन्सेंट्रेट करो गाइस, पूरा ध्यान लगाओ। ओके, सबसे पहले अगर केस वन में अगर तुम्हें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना बड़ा हो सकता है, अगर वो चाहिए हमें, ठीक है, तो कैसा होना चाहिए तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारे जो फाइनल इमेज बनती है, फाइनल इमेज जो बनती है तुम्हारी, वो फाइनल इमेज तुम्हारा डीडी वे बनना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो फाइनल इमेज जो बनता है वो डी पे बनना चाहिए। डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, मतलब अगर तुम्हें अपनी फाइनल इमेज मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, तो कौन से डिस्टेंस से बनना चाहिए, वो डीडी वे बनना है, तब जाकर तुम्हारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगा। ठीक है, अब जरा सा यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो तुम्हें क्या बता रहा हूँ, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास ऐसे लेंसेस थे, बराबर, अगर तुम डायग्राम सामने रखोगे तो हमने यहाँ पे रखा था, देखो तुम्हें फटाफट बताता हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मुझे, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसे मीट होगा, राइट, ऐसा डायग्राम था, फिर इधर से इसको पैरल होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये मीटअप होंगे कहीं, तो भी इधर पीछे ये साइड पर, यहाँ पे बनेगा, तो ये फाइनल इमेज बनता है जो लेंस के ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे, देखो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और डिस्टेंस कैसे मेजर हो, देखो ऐसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है, इससे मतलब ये इमेज डिस्टेंस जो बनेगा वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा नेगेटिव में आएगा। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, बड़ा मैग्निफिकेशन चाहिए, तो तुम्हारा वी जो है वो डिस्टेंस डिस्टिंग विजन पे आना चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर पे आना चाहिए तुम्हारा फाइनल इमेज, तब जाकर तुम्हारा मैग्निफिकेशन बनेगा। लेकिन ये वैल्यू भी तुम्हारी क्या होगी, माइनस में होगी, क्यों, क्योंकि जो फाइनल इमेज जो बनी है वो ये साइड पे बनी है, कहाँ बनी है, ये साइड पे, देखो इसका रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, और इमेज बनी है ऐसे पीछे बनी हुई है, तो इसलिए तुम्हारा फाइनल इमेज तुम्हारा जो बनेगा यहाँ पे वो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, मतलब अगर तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तुम्हारा क्या होगा वहां पे, नेगेटिव होगा। ठीक है, सेकेंड यू इक्वल्स टू, ओके, यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा मैं तुम लोग कुछ बताने वाला हूँ, सब लोग अपना अपना डायग्राम सामने रख सकते हैं, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज सब लोग ध्यान दो, ये हमारा ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट लेंस है, ये हमारा आई पीस, यहाँ पे हम अपनी आंखें रखते हैं, जहां पे हमारी आंखें गड़ाई रखते हैं गाइज, ये हमारा वो है। ठीक है, सो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ यहां से यहां, बराबर, और ये इमेज डिस्टेंस हुआ यहां से यहां, समझ रहे हो? ठीक है, सो यहां पे क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा हमारे पास, दिस विल बी यू विल बी इक्वल्स टू यू ई। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो यू पकड़ा है वो क्या हो जाएगा, यू ई होगा हमारा। ठीक है, फाइन, अब मुझे बताओ गाइस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो रे ऑफ लाइट ऐसी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर होगा ऐसे उल्टा, तो क्या होगा ये, माइनस। सबको समझा यहां तक, तो बताओ कुछ कंफ्यूजन है किसी को, पूछ सकता है अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो, एनीवन? समझा सर। ओके, ठीक है गाइस, देखो ये एफ ई मतलब ये फोकल लेंथ किसका है, आई पीस का है, बराबर, तो यहाँ पे एफ भी क्या पकड़ सकते हैं, पॉजिटिव एफ ई पकड़ेंगे, बिकॉज देखो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, फोकल लेंथ भी ऐसे ही मेजर करेंगे हम, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ध्यान देना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना
आगे सब लोगों को लेंस मेकर इक्वेशन तो पता ही है, यहाँ पे मिरर इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे लेंस है हमारे पास। सो वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वी माइनस वन अपॉन यू, ऐसे डालेंगे। एफ मतलब क्या आ जाता है, एफ ई आ जाता है, वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू वन अपॉन वी मतलब क्या आता है, माइनस डी, वन अपॉन यू मतलब क्या आ जाता है, माइनस यू ई, ऐसा आ जाता बराबर। देखो v के जगह पे डाल दिया माइनस डी, यू के जगह डाल दिया माइनस यू ई, एफ के जगह डाल दिया एफ ई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान देना मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी हो जाएगा ये, और ये प्लस वन अपॉन यू ई, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, सबको समझ रहा है? कुछ डाउट है तो गाइस प्लीज पूछ लो, एनीवन एनीवन। पूछना है किसी को कुछ? पक्का नहीं? ओके मेरे आगे की बात सुनो, एकदम ध्यान सुनना, कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अपना फॉर्मूला का एडजस्टमेंट करना है। सब लोग क्या करेंगे, जरा पेजेस टर्न करेंगे, ठीक है? और ये जहाँ पे फॉर्मूला तुमने डिराइव किया था ना, ये वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जरा सामने रखेंगे, बिकॉज मुझे कुछ तुम लोगों को इम्पॉर्टेंट चीजें कुछ बतानी है रिलेटेड टू योर फॉर्मूला, ठीक है? अगर तुमने वो तुम्हें समझ गया तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आने वाली है तुम्हें। देखो फॉर्मूला चेक करो, सामने रखो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, एम ओ इंटू एम ई, ध्यान दो, सामने रखो फॉर्मूला, सबके सामने है ना ये वाला, ठीक है? देखो गाइस, एम ओ मतलब क्या होता है वहां पे, वी ओ अपॉन यू ओ, वी ओ अपॉन यू ओ, ये होता है एम ओ, बराबर, चेक कर लो, बराबर। एम ई मतलब क्या होता है, डी अपॉन एफ ई, चेक कर लो, ऐसा ही है, चेक कर ले सारे बच्चे, देखो ऐसे ही था, हमने ये पहले लिखा था, बाद में इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, देखो वहां पे चेक कर लो, सर डी अपॉन यू ई है ना उधर, क्या बोल रहे हो? वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन सॉरी सॉरी, यू हाँ ई। यू, सॉरी सॉरी डी, हाँ सॉरी यू ई, आई एम सॉरी सॉरी यू ई, देखो चेक कर लो, यू ई वहां पे सबको मिला, पेजेस टर्न किए होंगे सब बच्चों ने तो मिला होगा, देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, बराबर। ओके अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, सब लोगों को देखो ये दिख रहा होगा, ये इक्वेशन दिख रही है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या करना है गाइस, डी तो ठीक है, लेकिन जो यू ई है ना, यू ई उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए वैल्यू कौन सी डालें हम, तो ये वाली एडजस्टेड वैल्यू डालनी है तुम्हें। मतलब यहाँ पे क्या करना है तुम बताता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वन अपॉन एफ ई डाल दो, प्लस वन अपॉन डी हो जाएगा, इक्वल टू वन अपॉन यू ई हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो टर्म है, देखो मैं तुम्हें बहुत और सिंप्लीफाई करके तुम्हें दिखाता हूँ, देखो एम इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू ब्रैकेट डी डालो, यू ई की जगह, देखो ये ना तुम्हें और दिखा, देखो सिंपलीफाई करते, ये इंटू वन अपॉन यू ई, ऐसा नीचे है ना, तुम लोग को समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, सो दैट वन अपॉन यू ई जो है उसके जगह पे ये उठा के मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो गाइस मैं क्या बता रहा हूँ गाइस, फॉलोइंग? देखो तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी, इसके जगह पे ये पूरा टर्म डालो, तो यहाँ पे मैं तुम लोग का लिख के, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ ऐसे, ब्रैकेट बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ गाइस, शायद तुम्हारे टेक्स्ट बुक में या तो तुम्हारे बुक में या तो नोट्स में तुम लोगों को इतना सिंप्लीफाई नहीं दिखे, तुम्हें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया हुआ फॉर्मूला मिलेगा वहां पे, याद रखो ये कुछ नहीं दिखने वाला तुम्हें वहां पे, मैं तुम्हें बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तुम्हें लिखना जरूरी है। देखो नोट्स कैसा होता है, वो कुछ टर्म कहाँ पे कहीं कहीं जगह पे आपको शॉर्टकट दिखाए तो आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है? अब ये अगर आपके पास रहेगा, जो मैंने आपको हैंड रिटन दे रहा हूँ वो सबसे ज्यादा काम आएगा, बिकॉज आपको रियलाइज होगा कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, बिकॉज ऐसा हो सकता है अब अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, तो पीडीएफ फाइल होगी टेक्स्ट बुक, आप वहां पे चेक करोगे तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिखेगा, मतलब मेन फॉर्मूला दिखेगा जो उसके बाद आने वाला है, ये आपको इतना कुछ नहीं दिखाई देने वाला कि किस तरीके से आया ये,
डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला दिखाई देगा आपको। तो हमें समझना, अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, किधर से आया, तब जाकर तो यूज कर पाएंगे ना, जब फॉर्मूला समझेगा कैसे आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो मैग्निफिकेशन, दिस इज वी ओ अपॉन यू ओ इन टू ब्रैकेट डालो, डी अंदर मल्टीप्लाई करो, डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन डी, और बॉक्स बना लो, कट कर लो। कट करने का वन बचता है वहां पे, तो एम इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ इन टू डी अपॉन एफ ई प्लस वन प्लस वन। ये है केस वन का फॉर्मूला जो मैंने आप सब लोग को डिराइव करके दिया है मैंने, टपक टपक टपक। ठीक है, सबको समझा है केस वन, बाद में केस टू पे जाता हूं गाइस, समझ में आया है क्या? एनीवन, कुछ डाउट? पक्का नहीं है? ठीक है, चलो जाते हैं हमारे केस सेकंड पे, जो हमारा लास्ट केस होगा, समझना बहुत जरूरी है। ओके, एक होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, जो हमने अब भी जस्ट किया। ठीक है, ओके, सेकंड होता है हमारा जैसे कि मिनिमम मैग्निफिकेशन एंड स्टफ, सॉरी मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, सो केस टू में मिनिमम कब हो सकता है? ठीक है, कब होगा? जब तुम्हारा जो इमेज है ना, इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, मतलब इमेज तुम्हारा बनेगा इनफाइनाइट पे, समझ रहे हो क्या? जब तुम्हारा इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तब होगा ये। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू विल बी इक्वल्स टू माइनस यू ई, एफ विल बी इक्वल्स टू प्लस एफ ई, बाकी सारा सेम है, सिर्फ मेन क्या खेल है यहाँ पे, इसका खेल है मेन। ठीक है, मैक्सिमम कब मिनिमम कब है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेम स्ट्रेटेजी की तरह इस्तेमाल करना है। ये वापस से हम क्या करेंगे, लेंस मेकर का फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे डाल देना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो देखो, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ई, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन नॉट डिफाइन, यू की वैल्यू माइनस यू ई, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टू, अब ये वन अपॉन नॉट डिफाइन है, तो याद रखो जब भी कोई भी टर्म मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय इंफिनिटी से होता है तो उसका आंसर जीरो पकड़ो, या तो फिर पकड़ो कि वो नंबर है ही नहीं वहां पे, ऐसे बोल के चलो, तो मतलब ये नंबर ही पूरा डिसअपीयर कर देना है क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। कभी भी कोई भी नंबर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो कंसिडर करना, गायब कर देना नंबर वहां से, कैसे भी ये लिख लो, वन प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन यू ई, ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा मेन फॉर्मूला कौन सा है, देखो ये वाला, उसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ध्यान देना है सब लोगों ने, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, ये लिख लेता हूँ पहले मैं, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे मैंने देखो अलग से किया, देखो मैंने यहाँ पे देखो कैसे अलग से किया, वैसे यहाँ पे भी अलग से एग्जिस्ट करेगा ना ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ इन टू डी इन टू वन अपॉन यू ई, ऐसा आ जाएगा, बराबर। सो वन अपॉन यू ई, वन अपॉन यू ई, वन अपॉन यू ई मतलब क्या होता है, वन अपॉन एफ ई होता है, तो इसके जगह पे यहाँ पे तुम्हारे पास जाएगा, देयरफोर दिस इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू This is V O upon U O into, ठीक है, D डालेंगे और यहां पे लिखेंगे F E, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गाइस सबको समझ में आया मैंने क्या बताया अभी? कुछ डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो गाइस, यू कैन आस्क मी। सर ये लास्ट स्टेप फिर से समझा दो ना। कौन सा लास्ट स्टेप? ये अभी जो आपने समझाया वो, ये वाला m is equal to vo upon ue, यहाँ पे सर, ये वाला? यस सर। हाँ ये तो यहाँ से उठाया ना, देखो ना ये फॉर्मूला, ये क्या है, इधर से तो उठाया मैंने, ये सेम तो लिखा है और क्या, समझा, यही तो कॉपी किया है मैंने,
उसमें तो यही तो मेन फॉर्मूला है, उसमें ही हमें सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे फॉर्मूला बनाने के लिए, यही तो मेन फॉर्मूला है हमारा, उसमें ही हमें सब्स्टिट्यूट करना है। और ये फॉर्मूला पता है ना कहां से आया, कहां से आया फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन था ना जो तुम्हें लास्ट लेक्चर जो करवा के दिया था, उसमें से ये फॉर्मूला आया है ना। चेक करो, पेजेस टर्न करो, देखो वहां पे चेक करो, उसमें तो है ये फॉर्मूला, वहां से तो निकाला है मैंने। समझा अभी? यस सर। ओके, याद रखो आगे भी टेलीस्कोप वगैरह। हाँ और एक बताना था मुझे, बट ठीक है तुम कर लो, ये बातें बताता हूँ मैं, कर लो कर लो। ये ओके गाइस, यहाँ पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कैसे फाइंड करते हो बताता हूं मैं। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, इसका एक फॉर्मूला है, बेसिक डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं, छोटा छोटा फॉर्मूला है, तो मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा बताता हूँ। देखो ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, डायग्राम के बहुत यूज टू हो जाओ अभी धीरे धीरे धीरे, ठीक है, बहुत काम में आएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑब्जेक्ट लेंस और ये हमारा आईपीस, ठीक है। यहाँ पे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट हिट हुआ, रिफ्रैक्ट हो गया, सेकेंड रे ऑफ लाइट ऐसा स्ट्रेट, सेकेंड रे ऑफ लाइट हिट होने का इसको इंटरसेक्शन हुआ और यहाँ पे बना इसका इमेज, मतलब ये ए बी बना है, ये बनेगा ए डैश और यहाँ पे बना है बी डैश, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। फिर ये रे ऑफ लाइट बनेगा, हिट होगा, फिर सेकेंड और इसके पीछे ऐसे आएगा ठक ठक ठक, जैसे हम बना रहे थे पीछे, ठीक है, यहाँ पे कहीं तो भी इसकी इमेज बनेगी। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है, अच्छा पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर, और इसके लिए ये बनता है इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज डिस्टेंस बनता है बराबर, और ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, ये लेंस के लिए बराबर, और ये सबको तो पता ही होगा, ये हमारा कंप्लीट यहाँ से या ये हमारा फाइनल इमेज का डिस्टेंस बनता है फ्रॉम ईयर टू ईयर जो भी है। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला अभी ये ड्रॉ एक्चुअली मैंने नहीं किया तभी चलता था, बट तुम्हें समझाना बहुत जरूरी कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, ऐसे कैसे क्या आया होगा। यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी है वो फाइंड करना है। तो लेंथ तो इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर बनती है यहां से यहां, बिकॉज बाकी तो दोनों लेंसेज हैं, तो लेंथ कौन से बनती है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ बनती है, तो इसके अंदर ये लेंथ के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, VO आता है और क्या आता है, UE आता है, तो इन दोनों को ऐड कर देने का, समझो कितना सिंपल। देखो तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो VO प्लस यहाँ पे आ जाएगा UE, ये दोनों भी मॉड्यूलस में डालना है गाइस आप लोगों ने। अच्छा मॉड्यूलस में क्यों डालना है, कि अगर सपोज नेगेटिव है, नेगेटिव है, अगर सपोज मान लो जस्ट इनकेस UE की बात करते हैं, बिकॉज ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो मतलब अगर सपोज ये बाय चांस माइनस 5 सेंटीमीटर है सपोज यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, सो मॉडुलस निकालने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा ऐसे, समझ रहे हो। तो मॉडुलस क्यों डालना है, कि अगर नेगेटिव का टर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का टर्म पॉजिटिव ही रहता है मॉडुलस में, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
इसलिए मॉडुलस कंपलसरी डालना है। जब भी तुम्हें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा जाए तो हमेशा याद रखो कि ये इसके और इसके ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये इमेज डिस्टेंस ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो एडिशन है उन दोनों का टोटल करके लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बनता है। ठीक है, अभी किसी को कुछ आइडिया आएगा इसको मुझे बता दो, कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज पूछ लो। एनीवन, पक्का नहीं है, सबको समझ में आया अच्छे से ये? सर एक बार शॉर्ट में वापस से एक्सप्लेन करो ना, क्यों, क्या हुआ? माइक समझ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर लो। ये है माइक्रोस्कोप, ये हमारी आंखें हैं और ये ऑब्जेक्ट है। लेंथ मतलब क्या होता है? ये लेंथ होती है ना, तो क्वेश्चन में ये लेंथ पूछा है मुझे फाइंड करने के लिए, इसकी लेंथ कितनी है माइक्रोस्कोप के, ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो लेंथ कहां से कहां मेजर करेंगे, इधर से लेके इधर तक का? डायग्राम समझ में आया है? यस डायग्राम समझ में आया है? डायग्राम सर, मतलब पता है कि नहीं पता है? पता है ना, क्योंकि प्रीवियस मैंने सिखाया था, प्रीवियस लेक्चर में अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेक्चर के अंदर डायग्राम के साथ साथ समझा था ये टर्म, ये डायग्राम समझ में आया है क्या? अच्छा, ये VO, कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन कहाँ है? ये VO मतलब पता है ना क्या होता है? पता है ना VO मतलब क्या होता है, बताओ जरा। और ऑब्जेक्ट की इमेज ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज का डिस्टेंस। VO मतलब क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है उसका ये जो लेंथ है वो उसकी डिस्टेंस है यहाँ की, समझ रहा है? ठीक है, फिर ये जो है, ये जो इमेज बना है ये लेंस के लिए क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ये लेंस के लिए। सो इन दोनों को ऐड करूंगा तो लेंथ मिलेगी ना मुझे। अगर ये मान लो मैंने पकड़ के चला ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, कितने लेंथ हुई टोटल मिला आपको? कितनी लेंथ हुई? 15 हुई ना, मतलब 15 सेंटीमीटर का लेंथ है माइक्रोस्कोप का। आया ध्यान में मैंने क्या बताया? यस सर, समझ अभी समझ गया सर। समझा? बस तो सिंपल लॉजिक यस तो सर, है, क्या करना ओके सर, समझा। थैंक यू सर। सर, हाँ बोलो। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि वो मॉड्यूल्स क्यों डाला। देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट लेंथ है, बराबर ये रे ऑब्जेक्ट ऐसे जाने वाली है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर होगा? उल्टा ना, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये उल्टा मेजर हो रहा है, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी ना, हाँ या हाँ नहीं? हाँ तो मुझे बताओ, मैं यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस उल्टा मेजर करूंगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रही है देखो, और डिस्टेंस ऐसे उल्टे से मेजर हो रहा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी, बराबर ठीक है। हाँ अब ऐसा तो है ही नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव है मतलब इसकी लेंथ अपने आप छोटी हो जाएगी। लॉजिकल समझ रहे हो? अगर सर, मैंने बोला ये 10 सेंटीमीटर है और ये -5 सेंटीमीटर है, सो 10 माइनस 5 कितना आता है? 5 सेंटीमीटर। तो मतलब 5 सेंटीमीटर थोड़ी ना है, ये कितना है? 15। 15 है ना, समझो ये है कितना, 15 है ये, फाइव समझ सेंटीमीटर थोड़ी ना है। ऐसा तो ना है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में मेजरमेंट हो रहा है तो मैं माइनस पकड़ेंगे उधर। लेंथ मेजरमेंट करने के लिए तुम माइनस में कैसे क्या पकड़ सकते हो? मतलब तुम ये बताओ कि भाई मेजरमेंट करते 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 बस की लेंथ भी छोटी हो गई, ऐसा थोड़ी ना है। क्लियर है क्या ये? सर। इसलिए इसलिए मॉडल्स डालते हैं वहां पे, सो दैट वो अगर ऐसा अगर है 10 है
और ये माइनस फाइव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, मॉडुलस निकालने के बाद नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फाइव हो जाएगा, तो बराबर आएगा ना 15 सेंटीमीटर, इसने क्या डालते वहां पर। ठीक है सर, थैंक यू सर।